हे व्हाट्सअप गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल ब्रांड सैमसंग के बारे में। तो हो रहा है एक्चुअली क्या, मैं काफ़ी सालों से सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते आ रहा हूँ। ये जो आप सैमसंग J26 देख रहे हो, ये भी मैं 3 सालों से लिटरली इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब मैं नोटिस क्या कर रहा हूँ इस फ़ोन बेसिकली सैमसंग जो मुझे ज़बरदस्ती उनकी स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करने के लिए फोर्स कर रहा है ज़बरदस्ती। मतलब वो एप्लीकेशन का कोई यूज़ भी नहीं है, अननेसेसरी एप्लीकेशन तो सैमसंग मेरे को ज़बरदस्ती इस फ़ोन में या फिर किसी भी सैमसंग फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए मतलब फोर्स कर रहा है यूज़र को। तो बेसिकली आज की वीडियो हम बात करेंगे इसी के बारे में, डिस्कस करेंगे क्या ये सैमसंग की स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन है और मतलब सैमसंग पैसे चेप रहा है इस स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन से और यूजर्स को मतलब ज़बरदस्ती ये फ़ोन एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार वीडियोस बनाते रहता हूँ। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है सैमसंग फ़ोन में वो आती है इसके फ़ोन की गैलेक्सी स्टोर पे, जो मतलब लिटरली कोई बंदा यूज़ भी नहीं करता। मैं पर्सनली कभी यूज़ नहीं करता, बट मतलब एक बार मेरे को ज़रूरत पड़ गया तो मैंने प्ले स्टोर एक्चुअली जो यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर वो ओपन कर लिया। तो ओपन करते ही उसने लाइक गैलेक्सी स्टोर ने अपडेट के लिए दिखाया, वहाँ पर 2 ऑप्शन था, एक तो अपडेट या फिर एक तो डिक्लाइन। और डिक्लाइन करने पे आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे इस एप्लीकेशन को, आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। और अपडेट करने के बाद जब मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन करा तो मुझे सीधे मतलब इतना हड़बड़ी है सैमसंग जो गैलेक्सी स्टोर एप्लीकेशन है उसको इतना हड़बड़ी है, वो मुझे सीधे ले गया एक पेज में, मतलब उसके जो ऐप का पेज है वहाँ पर, और मतलब ज़बरदस्ती आप वो समझ लो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए दिखा रहा है। और अननेसेसरी एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब ट्रेंडिंग एप्स बोल के ये बता रहा है, और यहाँ पर अब सबसे पहले आ जाता है ट्रेंडिंग एप्लीकेशन लाइक भीमेट, मोबाइल प्रीमियर लीग, हंगामा म्यूजिक, आवाज.com, कैलब्रेक मल्टीप्लेयर जो ताश पत्ती के गेम है वो, मतलब ये 6 एप्लीकेशन वो ट्रेंडिंग पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पर लूडो वगैरह भी है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ये टोटल 12 एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। तो मतलब ये ट्रेंडिंग पर हो ही नहीं सकते। चलो मान लिए एक बार की लाइक जो एप्लीकेशन है वो ट्रेंडिंग पे है प्ले स्टोर पे, मतलब मान लिया। बट यहाँ पर जो बाकी के एप्लीकेशन है वीमेट, मोबाइल प्रीमियर लीग, हंगामा म्यूजिक, ये प्ले स्टोर में या फिर कहीं पर भी ट्रेंडिंग में है ही नहीं। तो मतलब क्या ये पता नहीं, मतलब सैमसंग या फॉल दिखा रहा है ताकि यूजर्स को देख के इंस्टॉल कर सके। और मतलब अगर आप इस फ़ोन को फैक्ट्री डेटा रिसेट करते हो, अभी अगर आप इस फ़ोन को फैक्ट्री डेटा रिसेट कर लेते हो, उसके बाद जब इसको फिर से यूज करोगे, जब इसको बूट करोगे तो वहाँ पर ये पहले सब अगर वाईफाई मिल गया इसको तो ये सेटअप इनकम्प्लीट दिखाएगा। और जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको वो 4-5 एप्लीकेशन ये इंस्टॉल करने पे मजबूर करेगा। आप उसको डिक्लाइन कर सकते हो बट फिर भी ये आपको फोर्स करेगा वो 4-5 एप्लीकेशन पे, जहाँ पर पेटीएम आ जाता है, उसके बाद टिकटॉक, ऐसे कुछ एप्लीकेशन वगैरह है जो कि मतलब ये सैमसंग बेसिकली फोर्स कर रहा है यूजर को उसको इंस्टॉल करने के लिए। मतलब ये टोटली अनफेयर है ना। एक तो हम लोग पैसे दे के फ़ोन लेते हैं, उसके बाद भी सैमसंग के सारे स्पॉन्सर्ड ऐप से पैसे कमाने के लिए एक यूजर्स को फोर्स करता है। अब किसी बात पे अगर हम MI को देखते हैं तो वहाँ पर वो एड्स दिखाता है, उसके बाद काफ़ी सारे प्रीलोडेड एप्लीकेशन भी आ जाते हैं MI में। तो मतलब MI का MI जो सीन क्या है उसमें, उसके फ़ोन देखे आपने, मिड रेंज फ़ोन काफ़ी तगड़े होते हैं, Note 7 Pro देख लो, Note 7 देख लो, ये अपने बजट के हिसाब से काफ़ी तगड़े हैं। तो मतलब MI प्राइस कटिंग के लिए यही सब यूज कर लेता है, लाइक प्राइस कट करने के लिए वो स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन डाल लेता है फ़ोन में, तो ये इतना तो चलता है। बट सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन देखिए आपने, मैंने कुछ दिन पहले एक फ़ोन को अनबॉक्स करा था, बिल्कुल टट्टी फ़ोन लगा मेरे को, मतलब 5 से 5.5 हज़ार के बीच में, उससे बेटर वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। और यार उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग बोल रहे थे कि फालतू में फेंके जा रहे हैं ऐसे टट्टी फ़ोन बोल के। मतलब रीज़न ये है कि 5.5 हज़ार से 6 हज़ार में आपको रियलमी, आसूस, ये सब अच्छे अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाता है। बट उसी केस में सैमसंग का जो A2 कोर था, शायद मैंने नाम भी भूल गया, शायद A2 कोर ही था, उसको मैंने अनबॉक्स करा था और बताया था आप लोगों की लाइक घटिया फ़ोन है, तो उसमें से काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए थे। यार ऑफेंड होने की बात नहीं है, जो सच है वो सच है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और काफ़ी लोग तो बोल रहे थे कि ये तूने ऐसे ही खरीद लिया 5.5 हज़ार का फ़ोन, टट्टी फ़ोन ऐसे ही खरीद लिया। तो मैंने खरीद वरीद नहीं रहा था, मतलब दुकान से ऐसे मैंने मैनेज कर लिया था उस फ़ोन को अनबॉक्स करने के लिए। तो बात ऑनेस्टली, तो मतलब जो रिव्यू दिया था मैंने वो ऑनेस्ट रिव्यू था। और अभी यार मेन मुद्दे पे आ ही जाते हैं। यहाँ पर जो ये मतलब सारी एप्लीकेशन है ये हमेशा ट्रेंडिंग पे रहती है सैमसंग में, ऐसा नहीं है कि आज ये एप्लीकेशन ट्रेंडिंग पे है कल दूसरा होगा, नहीं, ये तो हमेशा लाइफ टाइम ट्रेंडिंग पे रहेगी एप्लीकेशन। वीमेट, ये सेरिट वगैरह, मैं आपकी स्क्रीन शॉट यहाँ पर साइड में या फिर इधर दोनों साइड में, किसी साइड में दे दूंगा, आप देख लेना, मतलब ट्रेंडिंग पे रहती है हमेशा एप्लीकेशन।
तो यहाँ से बेसिकली पता ही चल जाता है कि ये सारे एप्लीकेशन स्पॉन्सर्ड है सैमसंग से और वो यूजर्स को फोर्स कर रहे हैं। तो मतलब ये ठीक नहीं है सैमसंग का। अगर आप प्राइस कटिंग करते हो तो ठीक है, बट उसके हिसाब से अच्छी वैल्यू दे रहे हो और वहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हो तो ठीक है यार। एक तो फ़ोन ही घटिया निकाल के लाते हैं, जो मिड रेंज बजट रेंज तो फ़ोन होता है उसके ऊपर से ये सब चीज़ें करते हैं, तो लिटरली मेरे को पसंद नहीं है। और ये मतलब मैं काफ़ी दिनों पहले ही नोटिस किया हूँ, बट अभी मैं थोड़ा बहुत चेक कर रहा था बाकी फ़ोन्स में, तो ये बाकी के फ़ोन्स में भी है। ऑल्सो मेन प्रॉब्लम है वो गैलेक्सी स्टोर में, और ये अनइंस्टॉल भी नहीं होता, तो इसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो इतना था गाइस आज के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यार मतलब वीडियो नहीं डाल रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है और छत टीन की है, तो नॉइज आ जाएगी बारिश की, इसलिए नहीं डाल रहा था। तो अब से मतलब बारिश रुक गया तो रेगुलर ही वीडियो डाल दूंगा, और नहीं रुका तो क्या कर सकते यार, रुकने का वेट करना पड़ेगा। सो या बाय, वन सेकेंड, टेक केयर।